हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच के और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो लाइक करें। तो बच्चों, अब तक अपन डीसी जनरेटर के 14 पार्ट पढ़ चुके हैं। बच्चों आज अपन 15वां पार्ट पढ़ेंगे। बच्चों लास्ट पार्ट में मैंने बच्चों आपको पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर के अवलक्षणों के बारे में बताया था। बच्चों आज अपन बात करें बच्चों डीसी शंट जनरेटर के बारे में। तो डीसी शंट जनरेटर आपका बच्चों आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। बच्चों तो अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों कि डीसी शंट जनरेटर है, अगर आपके पास डीसी शंट जनरेटर में जो वोल्टेज पैदा होती है बच्चों उस वोल्टेज को पैदा होने के लिए अपने पास क्या क्या पास शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो जब भी अपन बात करते हैं बच्चों सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अवशिष्ट चुंबकत्व के बारे में, यानी आपके जो फील्ड कोर है बच्चों, अगर आपके फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है तो आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं होगी। दूसरी बात अपने पास क्या बच्चों देखें कि जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों, जो आपके पास आर्मेचर में जो वोल्टेज पैदा हो रही है बच्चों, उसके जो ध्रुवता आपके पास इस प्रकार होनी चाहिए कि उसके कारण जो आपके पास फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होगी, वो उस धारा के कारण जो आपका फ्लक्स पैदा होगा बच्चों, वो आपके रेजिडुअल फ्लक्स या अवशिष्ट चुंबकत्व की दिशा में होना चाहिए। यानी जैसे जैसे आपके पास वोल्टेज पैदा होती जाएगी, वोल्टेज का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा, तो आपके पास चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ना चाहिए। यदि आपके पास उत्पन्न वोल्टता के कारण जो आपके पास फ्लक्स या धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों और उसके कारण जो फ्लक्स पैदा हो रहा है, यदि वो अवशिष्ट चुंबकत्व के विपरीत दिशा में होगा तो आपका अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाएगा बच्चों, नष्ट हो जाएगा। तो दूसरी अपन ने बात की उत्पन्न वोल्टेज की ध्रुवता के बारे में। तीसरी अपन बात करेंगे बच्चों कि आपके पास जो जनित्र है उसको रेटेड गति पे आपको चलाना है। हमेशा आप रेटेड गति पे चलाएंगे तो ही आपके पास वोल्टेज पैदा उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले अपन बात करें कि बच्चों आपका जो सब उत्तेजित जनित्र है उसमें वोल्टेज पैदा होने के लिए आपके पास क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो पहले अपन नोट करेंगे, देखें बच्चों डीसी शंट जनित्र में वोल्टेज उत्पन्न होने के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है यानी जब तक ये कंडीशंस बच्चों आपकी पूरी नहीं होगी आपके पास जनित्र में वोल्टेज पैदा नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व। फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व का होना ठीक बच्चों, आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए बच्चों। देखिए अब आप देखिए बच्चों, जो आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व है वो आपका किन कारणों से नष्ट हो सकता है या क्यों नहीं हो सकता है, अपन हम उसके बारे में बात करें बच्चों। देखिए तो आपके पास अगर फील्ड कोर में आपका जो अवशिष्ट चुंबकत्व बच्चों उसके नहीं होने के क्या कारण आपके पास हो सकते हैं, तो पहले अपने बात की बच्चों कि फील्ड में आपका अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। अब देखें बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व के न होने के क्या क्या कारण अपने पास हो सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूं बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व के न होने के कारण अब आपका अवशिष्ट चुंबकत्व किन कारणों से नष्ट हो सकता है तो अपन उनके बारे में बात करेंगे बच्चों। देखें तो अवशिष्ट चुंबकत्व अगर बात करें बच्चों कि यदि आप जनित्र को लंबे समय तक काम में नहीं लेते हैं, काफ़ी टाइम से आपका जनित्र है बच्चों ऐसे ही पड़ा है, आप उसे काम में नहीं ले, तो उसके कारण भी आपका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। तो पहला कारण अपने पास बच्चों देखें, जनित्र को लंबे समय तक काम में न लेने पर, तो पहला कारण आपके पास हुआ बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व के न होने का कि अगर जनित्र को अपन लंबे समय तक काम में नहीं ले रहे हैं तो आपका अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाए बच्चों, नष्ट हो जाए। दूसरी बात देखें बच्चों, यदि आपकी फील्ड वाइंडिंग क्षेत्र कुंडली में आपका हैवी शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है बच्चों, तो उसके कारण भी आपके पास क्या बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। तो फील्ड वाइंडिंग
में हैवी शॉर्ट सर्किट, हैवी शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ बच्चों शॉर्ट सर्किट के होने पर। तो दूसरा कारण अपने पास ही होगा बच्चों। देखें तीसरा, देखें बच्चों यदि आप जनरेटर को ओवरलोड पे चलाते हैं, अति भार पे चलाते हैं, तो आपके कोर क्या होगा बच्चों, गर्म होगी। और अपन ने पढ़ा था बच्चों चुंबकत्व में, चुंबक में पढ़ा था कि अगर अपन कोर को गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व का गुण नष्ट हो सकता है। यदि आपने जिस जनित्र को ओवरलोड पे चलाया बच्चों तो उसके कारण भी आपका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। जिस जनित्र को अति भार या ओवरलोड पर चलाने पर बच्चों, चौथा अपने पास कारण हो सकता है बच्चों कि आपका जनित्र बच्चों वो हीटअप हो गया हो। जब आप उसको काम में ले रहे हैं बच्चों तो आपका जनित्र में अगर आपकी प्रॉपर कूलिंग नहीं और आपका हीटअप हो गया बच्चों तो भी उसके कारण आपका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। तो चौथा कारण देखिए बच्चों, जनित्र के ओवरहीट होने पर, ओवरहीट होने ठीक बच्चों। तो ये अपने पास चार मुख्य कारण हैं अवशिष्ट चुंबकत्व के नष्ट होने के। तो सबसे पहले अपने बात की बच्चों देखिए कि डीसी जनित्र में आपके पास वोल्टेज पैदा होने के लिए बस क्या क्या आपके पास आवश्यक होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि बच्चों फील्ड कोर में आपका अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। तो अवशिष्ट चुंबकत्व न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों देखें, अवशिष्ट चुंबकत्व के न होने के कारण पास बच्चों जनित्र को अगर अपन लंबे समय तक काम में नहीं लेंगे तो भी आपका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट होगा। फील्ड वाइंडिंग में हैवी शॉर्ट सर्किट के कारण भी आपका चुंबकत्व नष्ट होगा। डीसी जनित्र को अति भार या ओवरलोड पे चलाएंगे तो भी बच्चों आपके पास क्या होगा ठीक है बच्चों, अवशिष्ट चुंबकत्व का नष्ट हो जाएगा बच्चों। और जनित्र के ओवरहीट होने पर भी आपका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो सकता है बच्चों। तो पहले कारण ये था और उसके देखें बच्चों ये अपने पास क्या 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 बच्चों कारण हो सके। अब देखें बच्चों यदि आपके फील्ड वाइंडिंग में आपका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो चुका है तो अपन उसको वापस कैसे उत्पन्न करते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, अच्छे से बच्चों पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी आने वाली है, कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट करें बच्चों आप। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप यहाँ तक। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों कि अपन अवशिष्ट चुंबकत्व को उत्पन्न किस प्रकार करते हैं। डीसी जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व रेजिडुअल फ्लक्स बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, चुंबकत्व को उत्पन्न करना, को उत्पन्न करना बच्चों। अब देखिए बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व को उत्पन्न करने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों देखें, जो फील्ड वाइंडिंग है आपके पास, फील्ड वाइंडिंग बच्चों जिसमें आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा होगा बच्चों देखें, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है बच्चों। इस फील्ड वाइंडिंग को एक डीसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है बच्चों। ये टर्मिनल अपने पास E1 और E2 बच्चों, शंट फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पे अपने क्या कर दिया बच्चों, डीसी सप्लाई से क्या करेंगे बच्चों, और कुछ समय तक अपन क्या करते हैं बच्चों, धारा प्रवाहित करते हैं। अब जब धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों तो इसमें आपके पास क्या होगा, धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय फ्लक्स आपका उत्पन्न हो जाए। अब देखिए बच्चों, अब जब आप अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा कर रहे हैं या आप उत्पन्न कर रहे हैं, दोबारा पैदा कर रहे हैं बच्चों, तो ये जो अपने पास प्रक्रिया है बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा करने की, इसे बोलते हैं बच्चों फ्लशिंग। कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जा रहा है बच्चों कि फ्लशिंग किसे बोलते हैं, तो इसे अपन बोलेंगे बच्चों फ्लशिंग। अवशिष्ट चुंबकत्व जो पैदा करते हैं बच्चों, ये प्रक्रिया अपने पास कहलाती है बच्चों फ्लशिंग। अब देखें बच्चों, जब आप अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा करेंगे बच्चों, तो ये अवशिष्ट चुंबकत्व जो पैदा होगा बच्चों, वो पूर्व में जब आपके पास, जब पहले आपका जनित्र में अवशिष्ट चुंबकता और अब जो आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व हुआ पैदा हुआ बच्चों, उसकी ध्रुवता आपके पास क्या होनी चाहिए बच्चों, समान होनी चाहिए। अब उनमें देखें बच्चों, तो धारा प्रवाह अपने इस प्रकार की रहती है कि जो आपके पास पहले अवशिष्ट चुंबकत्व था और अब अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा हुआ बच्चों, उसकी ध्रुवता क्या होनी चाहिए बच्चों, समान होनी चाहिए। तो अपन प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बच्चों, फ्लशिंग बोलेंगे ठीक है बच्चों। तो नोट करेंगे इसके बारे में, देखें बच्चों क्षेत्र कुंडली में, क्षेत्र कुंडली में अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न करने के लिए
करने के लिए क्षेत्र कुंडली को या फील्ड वाइंडिंग में, एक ही बात है बच्चों, क्षेत्र कुंडली को डीसी सप्लाई से संयोजित कर कर इसमें कुछ समय के लिए डीसी धारा प्रवाहित की जाती है, अवशिष्ट चुंबकत्व, पैदा करने की या उत्पन्न करने की बच्चों, की यह प्रक्रिया, फ्लशिंग कहलाती है। तो आपको अच्छे से याद रखना, तो फ्लशिंग कहलाती है, फ्लशिंग कहलाती है बच्चों। अब आपका जो अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा हुआ बच्चों, उसकी ध्रुवता, पहले से जो आपका अवशिष्ट चुंबकत्व था और उसकी ध्रुवता दोनों क्या होनी चाहिए बच्चों, समान हो जाए। पुनः उत्पन्न अवशिष्ट चुंबकत्व की ध्रुवता, ध्रुवता की ध्रुवता नष्ट हुए अवशिष्ट चुंबकत्व के समान होनी चाहिए, यानी पोलरिटी आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। पोलरिटी अपने पास क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी। तो पहला कारण अपने पढ़ा बच्चों कि डीसी शंट क्षेत्र में आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं होगी, तो मतलब अपने पास था बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व का ना होना। अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा ना होने के अपने पास चार कारण पड़े बच्चों, और उसका समाधान अपने क्या पढ़ा बच्चों कि अगर अपन डीसी सप्लाई संयोजित कर उसमें धारा प्रवाहित करेंगे और इस प्रक्रिया को बोलेंगे बच्चों फ्लशिंग, तो आपका अवशिष्ट चुंबकत्व आपका उत्पन्न हो जाए। उत्पन्न जो अवशिष्ट चुंबकत्व हुआ उसकी ध्रुवता नष्ट हुए अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण बच्चों समान होनी चाहिए। नोट कर लें बच्चों यहाँ तक। अब देखें बच्चों दूसरा कारण अगर बात करते हैं बच्चों, देखें दूसरा कारण अपन बात करें बच्चों कि जो जब आपने जनित्र में वोल्टेज पैदा हुई बच्चों, तो इस वोल्टेज पैदा होने के कारण जो फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होगी बच्चों, उसके कारण जो आपका चुंबकत्व पैदा होगा बच्चों, जो फ्लक्स पैदा होगा वो अवशिष्ट चुंबकत्व की दिशा में होना चाहिए, यानी उसके समान दिशा में होना चाहिए बच्चों। अगर वो विपरीत होगा तो आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं होगी। तो दूसरा कारण देखें बच्चों अपने पास, दूसरी शर्त अपने पास क्या बच्चों, देखें डीसी शंट जनित्र में, उत्पन्न वोल्टता, के कारण, शंट फील्ड वाइंडिंग, में प्रवाहित, उत्तेजन धारा, उत्पन्न वोल्टता की ध्रुवता लिख लें बच्चे यहां पे, की ध्रुवता के कारण शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित उत्तेजन धारा की दिशा इस प्रकार होनी चाहिए, कि उत्तेजन धारा के कारण, उत्तेजन धारा के कारण
उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स अवशिष्ट चुंबकत्व की दिशा में होना चाहिए, अवशिष्ट चुंबकत्व की दिशा में होना चाहिए, दिशा में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अपने पास जो शंट फील्ड क्षेत्र में वोल्टेज पैदा होगी बच्चों, उसकी ध्रुवता का भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, कि वो ध्रुवता इस प्रकार होनी चाहिए कि उसके कारण जो शंट फील्ड वाइंडिंग में उत्तेजन धारा प्रवाहित होगी, उस उत्तेजन धारा के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों, वो अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या होना चाहिए, दिशा में होना चाहिए। अगर ये विपरीत हो जाएगा बच्चों तो आपके पास क्या अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाएगा बच्चों, नष्ट हो जाएगा। अब अपने पास देखिए बच्चों, उत्पन्न वोल्टता की ध्रुवता, उत्पन्न वोल्टता की ध्रुवता आपकी निर्भर करती है जनित्र की घूर्णन गति पर, और आपके शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा, प्रवाहित धारा की दिशा ठीक बच्चों निर्भर करेगी उत्पन्न वोल्टता की ध्रुवता पर। तो आपको घूर्णन दिशा का विशेष रूप से ध्यान रखना बच्चों, कि आपकी घूर्णन दिशा इस प्रकार होनी चाहिए कि शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण जो उत्पन्न फ्लक्स होगा वो अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होना चाहिए बच्चों, दिशा में होना चाहिए। तो अपन मैं यहाँ नीचे और लिख रहा हूँ बच्चों, देखें उत्पन्न वोल्टता की ध्रुवता, उत्पन्न वोल्टता की ध्रुवता जनित्र की घूर्णन गति पर, घूर्णन गति पर निर्भर करती है, वह उत्तेजन धारा की, उत्तेजन धारा की दिशा, की धारा की दिशा उत्पन्न वोल्टता की ध्रुवता पर निर्भर करती है, उत्पन्न वोल्टता की ध्रुवता पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, यदि आपके पास उत्पन्न वोल्टता की ध्रुवता आपने घूर्णन दिशा विपरीत कर दी तो उत्पन्न वोल्टता की ध्रुवता आपके विपरीत हो जाएगी बच्चों, और उत्तेजन धारा की ध्रुवता भी अपने पास क्या होगी बच्चों, विपरीत हो जाएगी, तो आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व होगा क्या बच्चों, नष्ट हो जाएगा बच्चों। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान करना बच्चों, नोट कर लीजिए अच्छे से, ये टॉपिक बहुत अच्छा समझने वाला टॉपिक है बच्चों, अच्छे से इसको समझें। ठीक है बच्चों, तो दूसरा कारण अपने पढ़ा बच्चों कि आपके पास उत्पन्न वोल्टता की ध्रुवता के बारे में अपने बात की, और चुंबकीय जो धारा है बच्चों उत्तेजन धारा है उसकी दिशा के बारे में अपने बात की, नोट कर लें बच्चों यहाँ से। तीसरा कारण देखें बच्चों, चित्र की गति, तीसरा कारण बात करें बच्चों देखें जनित्र गति। तो जब भी अपन बच्चों, जब भी अपन जनित्र को चलाएंगे बच्चों तो उसकी रेटेड गति पे चलाया जाता है बच्चों, अगर आपकी गति कम होगी तो आपके पास उत्पन्न वोल्टेज और वोल्टेज उत्पन्न होगी वो नहीं होगी बच्चों। तो तीसरा का देखें बच्चों, तीसरी अपने पास कंडीशन क्या है, जनित्र को रेटेड गति पर चलाया जाए, रेटेड गति पर घुमाया जाए या चलाया जाए बच्चों, घुमाया जाए। बच्चों अब ये अपने पास तीन कंडीशन सबसे पहले आपके पास पूरी होनी चाहिए कि आपके पास वोल्टेज पैदा हो। तो पहली कंडीशन अपने बात की थी बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व के बारे में, दूसरा उत्पन्न वोल्टता की अपने ध्रुवता के बारे में बात की, और धारा की दिशा के बारे में बात की, और तीसरी अपने बात की जनित्र को रेटेड गति पर घुमाया जाए। अब देखिए बच्चों, आपने ये तीनों कंडीशन पूरी कर ली है बच्चों, फिर भी आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं हो सकती, हो रही है तो इसके भी आपके पास क्या कुछ और कारण हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूं बच्चों। देखें ये तीनों कारण आपने पूरे कर लिए बच्चों, उसके बारे में बाद भी आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं हो रही, तो इसके बाद अपने पास देखिए बच्चों, चौथा कारण आपके पास हो सकता है कि आपकी आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग क्या हो चुकी है बच्चों, ओपन हो चुकी है। तो आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग या क्षेत्र कुंडली बच्चों एक ही बात है कि ओपन होने पर, कि ओपन होने पर। ठीक बच्चों, अगर आपके आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग ओपन है तो भी आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं होगी, अगर दोनों में से कोई शॉर्ट है बच्चों तो भी पैदा नहीं होगी बच्चों। देखिए आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग के शॉर्ट होने पर,
के शॉर्ट होने पर। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग आपके पास शॉर्ट हो चुकी है बच्चों तो आपके पास पैदा नहीं होगी। उसके बाद देखिए बच्चों, अगर आपके ब्रश का कम्यूटेटर से संपर्क सही नहीं हो रहा है या आपके ब्रश ढीले हैं बच्चों तो भी आपके पास क्या बच्चों वोल्टेज पैदा नहीं होगी। ब्रश का कम्यूटेटर से उचित संपर्क न होना, उचित संपर्क न होना या ब्रश होल्डर में ढीला होना, होल्डर में ढीला होना, लूज होना। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए बच्चों, अगर आपका कम्यूटेटर जो कंप्यूटर की सतह है बच्चों उस पर बहुत अधिक खड्डे हो चुके, पिटिंग हो चुकी है, या आपका कंप्यूटर सतह आपकी गंदी हो चुकी है तो भी आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं हो चुकी। कंप्यूटेटर सतह पर खड्डे होने होने या कंप्यूटेटर सतह का गंदा होने पर, यानी ओवर ग्रीसिंग होगी आपके पास बच्चों, देखिए गंदा होने पर। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा आपको इन कारणों के बारे में देखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए बच्चों अपने पास क्या बच्चों, यदि आपका फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक है बच्चों तो उस केस में भी आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं होगी। इसके बारे में बच्चों आपको डिटेल से बात करूं, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस का क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक होना। लास्ट कारण देखें बच्चों, ये तो मैं बताता हूँ फील्ड वाइंडिंग, यदि आपका भार प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से कम है बच्चों तो आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं होगी। भार प्रतिरोध का क्रांतिक प्रतिरोध से कम होने पर तो फील्ड वाइंडिंग में आपको ज्यादा रखना है बच्चों और भार प्रतिरोध का मान क्रांतिक प्रतिरोध से आपको कम रखना है बच्चों। तो ये आप सारे कारण आप नोट कर लीजिए बच्चों, आप यही अपने पास कारण हो सकते हैं कि शंट यंत्र में आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं हो रही। नोट कर लीजिए बच्चों आप यहां तक। एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों ये कारण आपसे। ठीक है बच्चों, अब अपन देखिए बच्चों बात करेंगे कि आपके पास देखो बच्चों, ये आपके पास सारी कंडीशन आपने फुलफिल कर दी बच्चों तो आपके डीसी जनित्र में वोल्टेज पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। अब देखिए बच्चों, डीसी जनित्र में जो शंट जनित्र है उसमें आपके पास वोल्टेज पैदा होती कैसे है उसके बारे में अपन बात करेंगे बच्चों। देखिए डीसी शंट जनित्र में वोल्टेज का उत्पन्न होना किस प्रकार आपके बच्चों वोल्टेज पैदा होनी है। ठीक बच्चों, देखें अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन सर्किट बनाएंगे बच्चों। देखें इसमें किस प्रकार अपन वोल्टेज पैदा करते हैं बच्चों। देखें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों शंट फील्ड वाइंडिंग। ये मैंने शंट फील्ड वाइंडिंग बना दी बच्चों। देखें ये मैंने एक स्विच लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ मैंने बच्चों एक लगा दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस, बोल दीजिए बच्चों आप उसको प्रतिरोध बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखें और यहाँ अपन इसे संयोजित करते हैं बच्चों आर्मेचर वाइंडिंग से, आर्मेचर वाइंडिंग से, और यहाँ आपने क्या बच्चों एक वोल्टमीटर लगा दिया। ये वोल्टमीटर बताएगा बच्चों आपको
आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता, ये वोल्ट मीटर आपको बताया बच्चों आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता। ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग का टर्मिनल ए वन, ये अपने पास हो गया बच्चों ई टू, ए टू और यहाँ ई वन और यहाँ अपने पास गया बच्चों ई टू। ठीक बच्चों, ये मैंने स्विच बना दिया इसके लिए। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको जब भी वोल्टेज पैदा करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जनित्र को रेटेड गति पे घुमाना है, रेटेड गति पे आपको घुमाना। अब अपन देखें बच्चों, इस स्विच को अपन क्या करेंगे बच्चों, देखें शॉर्ट करेंगे। ठीक बच्चों, इसको अपन स्विच को शॉर्ट करेंगे। अब जैसे अपन बच्चों स्विच को शॉर्ट करेंगे बच्चों, इसमें आप बच्चों देखें शंट फील्ड द्वारा या उत्तेजन द्वारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगी बच्चों। यहाँ आपके पास बच्चों क्या होगी बच्चों, आर्मेचर द्वारा आइए पैदा होना स्टार्ट होगी। अब देखिए बच्चों, जैसे आप इसको जनित्र को रेटेड गति पे घुमाएंगे बच्चों, तो रेटेड गति पे घुमाते मान लीजिए कि जैसे जनित्र की जो आपके पास रेटेड आउटपुट वोल्टेज है बच्चों या 250 वोल्ट है नो लोड, तो जैसे आप ऐसे नहीं कि जैसे आप फील्ड वाइंडिंग का संयोजन स्टार्ट करेंगे बच्चों या संयोजित करेंगे, आपको यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर है आपको रेटेड वोल्टेज 250 वोल्ट प्रदर्शित कर दे, ऐसा नहीं होता है बच्चों। अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, देखें जैसे अपन क्या करेंगे इसमें उत्तेजन धारा प्रवाहित करेंगे, तो अपने पास क्या बच्चों उस टाइम अपने पास क्या बच्चों जो वोल्टेज पैदा हुआ बच्चों 4 वोल्ट से लेके 10 वोल्ट तक पैदा हो, वोल्टेज जो पैदा हुआ बच्चों वो 4 वोल्ट से लेके कितने हो बच्चों 10 वोल्ट तक आपके पास पैदा हुई। क्योंकि इस केस में बच्चों जो ये 4 से 10 वोल्ट जो पैदा होगी वो केवल आपके पास अवशिष्ट मुक्तों के कारण पैदा होगी। अब देखें बच्चों, अब जैसे अपने बात कह रहे बच्चों, जैसे जैसे आपके पास ये उत्तेजन धारा का मान बढ़ेगा बच्चों, तो आप बस चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, तो ये उसको उत्पन्न वोल्टता का मान आपके पास बढ़ेगा। क्योंकि देखें बच्चों शंट फील्ड द्वारा आई एस एच बराबर अपने पास क्या बच्चों वी बटा में आर एस एच, वी बटा में आर एस एच। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले अपने पास जो उत्तेजन धारा प्रवाहित होगी बच्चों वो 4 वोल्ट से 10 वोल्ट तक के कारण प्रवाहित होगी बच्चों, देखें। और धीरे धीरे आपके पास क्या बच्चों वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट होगी, और वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट होगी बच्चों तो ये शंट फील्ड धारा का मान आपके पास बढ़ना स्टार्ट होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा और उत्पन्न वोल्टता आपके पास ई जी समानुपातिक होते हुए चुंबकीय फ्लक्स, तो आपके पास वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो जाए। कुछ सेकेंड बाद आपके पास आपको यहाँ रेटेड वोल्टेज प्राप्त हो जाए, रेटेड वोल्टेज प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से अपने बात देखें बच्चों, इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, देखें कि जब तक आपके पास उत्तेजन धारा रेटेड उत्तेजन धारा प्रवाहित होगी बच्चों तो आपको रेटेड वोल्टेज प्राप्त हो जाए, परंतु बच्चों देखें उससे अधिक अगर आप उत्तेजन धारा बढ़ाते हो बच्चों तो आपके पास इससे अधिक वोल्टेज पैदा नहीं होगी, क्योंकि आपके कोर क्या हो चुकी बच्चों संतृप्त हो चुकी होगी, और कोर सेचुरेट होने के बाद आपके पास उत्पन्न वोल्टता का मान नहीं बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो अपन बात कर रहे थे कि डीसी जनित्र में वोल्टेज पैदा किस वजह से प्रभावित। अब अपन बात देखें बच्चों, अगर आपसे डीसी शंट जनित्र के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो इसमें शून्य बार पर आपको अधिकतम वोल्टेज प्राप्त होती है। तो अपन बात करेंगे बच्चों, देखें किस अब शंट जनित्र में वोल्टेज किस प्रकार पैदा हुई। डीसी शंट जनित्र को रेटेड गति पर घुमाने पर स्टार्टिंग के समय केवल अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण 4 वोल्ट से 10 वोल्ट तक वोल्टेज उत्पन्न होती है ठीक है, 4 से अपने पास कितनी बच्चों 10 वोल्ट। अब अपने पास देखिए बच्चों, इस 4 से 10 वोल्ट के कारण यहां पर बस उत्तेजन धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे उत्पन्न वोल्टता के बढ़ने पर शंट फील्ड द्वारा आई एस एच बराबर अपने पास बच्चों V बटा में आर एस एच, यहां पर जो ई भी लिख सकते हैं बच्चों, यहां पे मैंने यहां से ई से पूछ गया तो ई बटा में आर एस एच।
जैसे जैसे आप बढ़ेगा बच्चों तो उत्तेजन धारा का मानक व्यास बढ़ेगी। तो धीरे धीरे उत्पन्न वोल्टता के बढ़ने पर शंट फील्ड धारा ISH का मान बढ़ता है, का मान बढ़ता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है वह उत्पन्न वोल्टता का मान भी बढ़ता है अब हम बात करते उत्पन्न वोल्टता जब तक बढ़ेगी जब तक आपकी कोर संतृप्त नहीं हो जाती, उत्पन्न वोल्टता कोर के संतृप्त होने तक बढ़ती है कोर के संतृप्त होने तक बढ़ती है। तो अगर अपन बात करें तो देखें डीसी शंट जनित्र में आपके पास शून्य बार पर अधिकतम आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगी। तो नोट कर लें बच्चों यहां से डीसी शंट जनित्र में शून्य बार पर अधिकतम आउटपुट वोल्टता प्राप्त होती है, अधिकतम आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। ठीक है, अगर आपके पास नो लोड पे चलाएंगे बच्चों तो अधिकतम आपको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगी, जबकि डीसी सीरीज जनित्र के मामले में ऐसा नहीं होगा बच्चों। तो सबसे पहले इसे नोट कर लेंगे आपके पास उत्पन्न वोल्टेज किस प्रकार आपके पास बढ़ी बच्चों, ठीक है, और आपके पास शून्य बार पर आपको अधिकतम वोल्टेज प्राप्त हुई। अब अपन बात करें बच्चों देखिए चुंबकन अकर्व के बारे में, कल अपने पढ़ा था पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र का, आज अपन पढ़ेंगे बच्चों शंट जनित्र का। तो यहां तक नोट कर लीजिए बच्चों, आप देखें डीसी शंट जनित्र का चुंबकन अभिलक्षण अब कल मैंने आपको बताया था बच्चों देखिए पार्ट 14 में कि चुंबकन अभिलक्षण अपन खींचेंगे बच्चों उत्पन्न वोल्टता व चुंबकन धारा के बीच में, उत्तेजन धारा के बीच में। ठीक है बच्चों, अब अपन देखें बच्चों वाई एक्स पे आपको रखना बच्चों उत्पन्न वोल्टता को ये अपने पास क्या बच्चों उत्पन्न वोल्टता AG एट नो लोड, और ये अपने पास क्या बच्चों देखें उत्तेजन धारा IF। ठीक बच्चों, अपने कल बताया था बच्चों देखें आपका कर्व स्टार्ट होगा बच्चों थोड़ा ऊपर से, इसलिए मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आपके पास वोल्टेज जो 4 से 10 वोल्ट होगी बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण होगी, और इसके बाद जैसे जैसे आप उत्तेजन धारा बढ़ाएंगे बच्चों देखें उत्तेजन धारा जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये ग्राफ आपका उत्तेजन धारा के अनुसार रैखिक रूप से आपके पास बढ़ेगा। ठीक बच्चों, अब आप देखें बच्चों एक कंडीशन आपके पास यहाँ ऐसी आएगी बच्चों देखें कि आपके पास उत्तेजन धारा को तो आपको अधिक बढ़ाना पड़ेगा और वोल्टेज आपके पास क्या बढ़ी बच्चों कम बढ़ी, जिसे अपने कल बता था बच्चों नी पॉइंट। अब आप देखिए बच्चों इस केस के बाद मैंने यहां पॉइंट लिख देता हूं बच्चों देखिए ए पॉइंट ए और बी इस भाग में तो आपके पास क्या बच्चों रेखीय रूप से बढ़ी, और अगर अपन बात करें बच्चों इस BC भाग की तो इस BC भाग में देखिए बच्चों यहां तक आपके पास रेखीय। अब आप देखिए बच्चों यहाँ आपके पास क्या वोल्टेज आपके पास बहुत कम बढ़ी परंतु आपको धारा क्या बढ़ानी पड़ी बच्चों ज़्यादा बढ़ानी, उत्तेजन धारा को क्या करनी पड़ी बच्चों ज़्यादा। अब देखिए अगर बी सी पॉइंट के बाद अगर आप उत्तेजन धारा बढ़ाते हो बच्चों
तो आपके पास उत्पन्न वोल्टेज बिल्कुल आपके पास नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बच्चों देखें कोर क्या हो चुके बच्चों, संतृप्त हो चुके। तो ये जो सीडी भाग है बच्चों, ये आपके पास क्या बच्चों, संतृप्त रीजन है या सेचुरेशन भाग हो बच्चों। तो यहाँ कोर सेचुरेट हो चुके बच्चों, और ये सी और बी भाग बच्चों, ये अपने पास क्या बच्चों, संतृप्त होने की स्थिति में पहुँच रही है बच्चों। ये आपके पास था बच्चों रैखिक भाग, ये अपने पास क्या था बच्चों, रैखिक भाग। तो षड् दरिद्र का आपको विलक्षण क्रम आपको कैसे बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज ई जी व उत्तेजन धारा आई एफ के बीच। अब देखिए बच्चों, इस चुंबकन अभिलक्षण से बात करेंगे बच्चों अपन क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बारे में, फील्ड वाइंडिंग का क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ये फील्ड वाइंडिंग का क्रिटिकल रेजिस्टेंस अपने पास क्या है बच्चों, तो नोट कर ले बच्चों यहाँ तक। ये आपका चुंबकन वक्र बना लिया बच्चों, कल किस तरह बनाया अपने बच्चों, कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं किया, परंतु आज अपन बात करें बच्चों देखें कि इसी अपन इसी अभिलक्षण से अपन बात करेंगे बच्चों क्रांतिक प्रतिरोध के बारे में। तो ये फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध अपने पास क्या होगा बच्चों, देखिए फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध, का क्रांतिक प्रतिरोध है बच्चों, ये फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध अपने पास क्या है बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों, शंट फील्ड द्वारा आई एस एच बराबर पास क्या लिखते हैं बच्चों, V बटा में आर एस एच। यदि बच्चों देखें आपका ये शंट फील्ड प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है बच्चों, बहुत अधिक हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास उत्तेजन धारा का मान अपने पास क्या बहुत कम हो जाएगा बच्चों, और जो चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों वो फाई समानुपाती क्या होता है बच्चों, आई एस एच के। अगर ये धारा अपने पास कम हो जाएगी बच्चों, तो चुंबकीय फ्लक्स अपने पास क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा बच्चों, और जब चुंबकीय फ्लक्स बहुत कम होगा बच्चों, तो आपके पास उत्पन्न वोल्टेज ए जी समानुपाती बच्चों आपके पास फाई के, अगर ये बहुत कम हो जाएगा तो उत्पन्न वोल्टेज आपके पास बहुत कम होगी, जो कि आपके पास आर्मेचर ड्रॉप में चली जाएगी बच्चों। तो यानी आपका जनित्र वोल्टेज पैदा करने से क्या कर देगा बच्चों, मना कर देगा। तो फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध वह अधिकतम प्रतिरोध मान है बच्चों, जिससे अधिक होने पर आपका वोल्ट आपका जो जनित्र बच्चों वो वोल्टेज पैदा करने से क्या कर देता है बच्चों, मना कर देता है। तो यानी आपका जो फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध है, जो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध है बच्चों, वो क्रांतिक प्रतिरोध से यानी क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अपने पास क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए ठीक बच्चों। तो बात करें इसके बारे में, देखें बच्चों फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध, तो फील्ड वाइंडिंग परिपथ का प्रतिरोध बहुत अधिक होने पर, बहुत अधिक होने पर होने पर यह फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होने के लिए, वोल्टेज उत्पन्न होने के लिए पर्याप्त उत्तेजन धारा यानी शंट फील्ड धारा बच्चों, उत्तेजन धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, ठीक बच्चों। अगर आपका फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत अधिक हो गया बच्चों, तो फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होने के लिए आपके पास पर्याप्त धारा प्रवाहित नहीं होती है बच्चों। अब देखिए बच्चों, या आप कह सकते हैं बच्चों, या फील्ड वाइंडिंग के ओपन होने पर, होने पर इसमें उत्तेजन धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसमें उत्तेजन धारा प्रवाहित नहीं होती है। जिसके कारण जनित्र में वोल्टेज पैदा नहीं होती, वोल्टेज पैदा नहीं होती,
वोल्टेज पैदा नहीं है। अब देखिए बच्चों, अगर आपका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो गया तो उत्तेजन धारा प्रवाहित नहीं होगी, या आपका क्या कह सकते हैं बच्चों इसको ओपन सर्किट कैसे। तो अगर अपन बात करें बच्चों फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध क्या है, तो क्रांतिक प्रतिरोध वो है बच्चों कि अगर उससे अधिक आपका प्रतिरोध हो गया फील्ड वाइंडिंग का तो आपके जनरेटर में वोल्टेज पैदा नहीं होगी। तो क्रांतिक प्रतिरोध के बारे में बात करें बच्चों, देखें फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध वह प्रतिरोध मान है जिससे अधिक फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध होने पर डीसी क्षेत्र में वोल्टेज पैदा नहीं होती है, अब देखिए बच्चों शंट जनित्र के लिए इसका मान कितना होना चाहिए बच्चों, तो शंट जनित्र में बच्चों देखें फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध मान है बच्चों वो रियोस्टेट सहित है बच्चों वो 1 किलो ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अपन रियोस्टेट का साथ जोड़ते हैं बच्चों तो 1 किलो ओम से आपके पास अधिक नहीं होना चाहिए। तो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध डीसी शंट जनित्र में फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध रियोस्टेट सहित 1 किलो ओम से अधिक नहीं होना चाहिए तो नोट कर लीजिए तो इतना आप एक बार इसके बारे में। अब देखिए बच्चों ये फील्ड वाइंडिंग अपन रेजिस्टेंस प्राप्त किसे करते हैं बच्चों, तो फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध मान है बच्चों वो अपन प्राप्त करेंगे बच्चों चुंबकन वक्र से। तो यहां तक नोट कर लें बच्चों, अब देखिए बच्चों फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे। अभी देखिए बच्चों अपने चुंबकन वक्र बनाया था, तो ये आपको चुंबकन वक्र आपको इस प्रकार का प्राप्त होगा बच्चों, देखिए ये आपको इस प्रकार का प्राप्त हुआ। ठीक बच्चों, ये मैंने इसका ओरिजिन पॉइंट ले लिया बच्चों ओ ए, यहाँ आपका बी सी ओ डी। अब देखिए बच्चों यहाँ आपके पास उत्पन्न वोल्टेज बच्चों ई है और यहाँ अपने पास क्या बच्चों उत्तेजन धारा आई। अब देखिए बच्चों क्रांतिक प्रतिरोध लेने के लिए फील्ड वाइंडिंग का इस रेखा पे देखो बच्चों, इस पे इस कर्व पर अपन एक टेंजेंट खींचते हैं बच्चों। टेंजेंट मतलब क्या बच्चों, एक सीधी रेखा इस कर्व के ऊपर ठीक बच्चों, इस कर्व के ऊपर मैंने क्या कर दिया बच्चों एक सीधी रेखा। अब ये रेखा जहां भी आपके देखे बच्चों इस कर्व को काट रही बच्चों, यहां काटा बच्चों इसने और एक आपके पास क्या काटा बच्चों यहां काटा, ठीक बच्चों। तो ये अपने पास दो पॉइंट पे काट रहा है बच्चों, देखें तो मैंने इसको क्या लिख दिया बच्चों, इसको मैंने लिख दिया बी ई और इसको मैंने लिख दिया बच्चों एफ, ठीक बच्चों। अपने पास देखें बच्चों प्रतिरोध अपने पास क्या होता है बच्चों, आर बराबर अपने पास क्या बच्चों वी अपॉन आई। अब यहां पर बच्चों ये अपने पास वोल्टेज होगी बच्चों ओ ई, तो शंट फील्ड प्रतिरोध बताइए बच्चों ओ ई बटा में अपने पास हो गया बच्चों ये धारा होगी बच्चों ओ एफ। तो क्रांतिक प्रतिरोध अपने पास होगा बच्चों ओ ई बटा में ओ एफ ये देखिए बच्चों यहां पे अपन बात करें बच्चों, यहां उत्पन्न वोल्ट है आपके पास ये 200 वोल्ट है, मान लीजिए कि आपके पास ये बच्चों 200 वोल्ट है और उत्तेजन धारा अपने पास यहां पे 0.2 एम्पीयर है। तो देखिए बच्चों क्रांतिक प्रतिरोध अपने पास कितना हो जाएगा 200 भाग
0.2 पॉइंट टाइप बच्चों मैंने, तो यहाँ एक जीरो लगा दी, तो अपने पास कितना बच्चों 1000। ठीक बच्चों, अगर ये देखें बच्चों आपका टेंजेंट, ये जो लाइन अपने खींची बच्चों इस भाग से नीचे नीचे रहती है तो आपके पास वोल्टेज पैदा होगी बच्चों, और अगर ये रेखा ऊपर चली गई बच्चों जो अपने खींची है तो आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं होगी। तो अपन इस प्रकार बच्चों देखें चुंबकन वक्र से अपन क्रांतिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे बच्चों। आज के पार्ट में अपन इतने ही पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में से आगे पढ़ेंगे बच्चों। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।